नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राजस्थान की सियासत में अब टेप कांड की एंट्री हो गई है। आरोप ये लग रहा है कि बीजेपी के नेता सचिन पायलट गुप्त के नेताओं के साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। ये टेप कांड अब सामने आ गया है, टेप भी सामने कर दिए गए हैं। आरोप यह है कि सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं भंवरलाल शर्मा, वो बीजेपी के नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये पूरे टेप की रिकॉर्डिंग है। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है, रिपोर्ट देखिए। राजस्थान की राजनीति में अब एक टेप कांड ने तहलका मचा दिया है। कांग्रेस ने ये ऑडियो टेप जारी किए और दावा किया कि इसमें कथित तौर पर बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह और सचिन पायलट गुट के विधायक भंवरलाल शर्मा की बातचीत है। सुनिए जरा टेप पर इनकी बातचीत। हाँ, गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ महाराज, मैं उम्र बड़ों आशीर्वाद दे दूँ। बिल्कुल आप सब मिलकर आपके आशीर्वाद से विजय होते हैं। बिल्कुल एक दो दिन में संख्या पूरी हो गई थी। बस संख्या पूरी हुई यहाँ के गोदा जिज्ञा से। अब तो कहीं है, मैं कल संजय जी ने भी बात करी है। तो आपने 8-10 दिन को 10-15 दिन की इकट्ठे रहना चाहिए। सरकार राज तो रहे कौन सी 12 में 15 दिन तक जो छोड़ दी जो लोग अपन के ना नहीं। मैं भी समझूंगा होटल से रात अलग होनी। हाँ, और संख्या बल है कोनी, संख्या बल है कोनी। और बाकी वो बात आप संजय जी होगी संजयगी। इस क्लिप से साफ है कि ये दोनों नेता राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के बीच की कथित बातचीत का टेप भी जारी किया, जिसमें दोनों संख्या बल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। आप ठीक है? सरकार तो रहने को नहीं, सारी बर्खास्त करनी पड़ी। आप तो ठीक है, बाकी आप जो एक बार सारी संख्या बल और हमने आज ही शुरू जो प्रोग्राम किए किए वो बता दिया आप। हाँ ठीक है, जो बात तुरंत व्यवस्था मैं आपने कह दिया, मेरे जी में आतरी और बनकर दर्ज की। ठीक है, और अभी साहब नवी में कह दिया सचिन जी की तरफ हूँ, लिस्ट को नहीं आवे और बाकी बात बढ़िया होगी। होगी फिर मैं हरी बात देखी गोपनीय रहेगी फिर खेतिया कब अपनी मैं करवा रही हूँ। अमाउंट की बात होगी नहीं? हाँ धन्य बात कल कह दिए बात एकदम सही है। सुना आपने, इस ऑडियो टेप में दोनों नेताओं की आवाज सुनकर साफ है कि ये बातचीत गहलोत सरकार को अस्थिर किए जाने को लेकर हो रही है। ऑडियो क्लिप के आगे सचिन गुट में ज्यादा से ज्यादा विधायक लाने पर बातचीत चल रही है। बस हम तो एक चेतन टूटी और को प्रयास और कर लो बलवान पुनिया रो। नहीं, चेतन टूटी भी आसी, बलवान पुनिया भी आसी। और इस बार जाओ बेटो भी आ जाओ, बहुत ही बढ़िया हो जाओ फिर तो। हाँ, बस संख्या ठीक है, लग रहा हमें ठीक है। ठीक, इस टेप के आगे भंवरलाल शर्मा ये कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला उन्हें बड़ा पद ऑफर कर रहे हैं, साथ ही वो संजय जैन से गजेंद्र सिंह से बातचीत करवाने को कह रहे हैं। हाँ, अगर दिन में संभव है। हाँ, तो एक गजेंद्र सिंह बात और करा लिया। हाँ करवा दे, अभी करवा दू बोलो। हाँ अभी करवा दो, बात करवाती हूँ। एक हम जानकारी देते हूँ किरदार जी को, मैं एक दिन खातर काम कर सुना, मैं जो बार किन्नी पहुंच जाना 5-7 दिन एक ना 2-3 दिन जाने को नहीं। हाँ तो बन बिल्कुल ध्यान रखे आप, एक मन के हो जाना, मैं जो थाने कटी पहुंच जाना थाने ठीक रहो अब 4-5 दिन थोड़ो बनो ध्यान रखे। राजस्थान की राजनीति में इन टेपों ने हलचल मचा दी है। जयपुर पुलिस ने पूछताछ के लिए बीजेपी नेता संजय जैन को हिरासत में ले लिया है। इसके साथ ही जयपुर में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
बवाल हुआ है, सियासत में जबरदस्त हलचल मच गई है। एक तरफ कांग्रेस का ये आरोप है कि ये सचिन गुट के ही विधायक की आवाज है, इसके साथ ही वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी घसीट रहे हैं। हालांकि चाहे वो भंवरलाल शर्मा हो एमएलए या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत, दोनों ही साफ इनकार कर रहे हैं कि ये हमारी आवाज नहीं है। लेकिन एसओजी अब जांच को आगे ले जा रही है, मानेसर तक पहुंच गई है उनकी टीम वॉइस सैंपल कलेक्ट करने। अकेला योनी हाँ ठीक है, अब दो तीन दिन संख्या पूरी हो जाए नहीं तीस। राजस्थान की सियासत में इस टेप कांड ने भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजस्थान सरकार गिराने की तोहमत लगाते हुए चढ़ाई कर दी, तो वहीं बीजेपी इस टेप को ही फर्जी बताने में लगी। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। दो तीन चीजें इसमें बहुत आवश्यक हैं। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है। इस टेप के जरिए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि ऑडियो में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी नेता संजय जैन और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने सरकार गिराने की बातें कही, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत और भंवरलाल शर्मा का कहना है कि टेप में उनकी आवाज ही नहीं। बीजेपी भी अब गजेंद्र सिंह शेखावत के बचाव में आ गई है। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। लेकिन आज जो कुछ हुआ उसने शर्मसार किया राजस्थान की राजनीति को कि मुख्यमंत्री निवास फर्जी ऑडियो का केंद्र बन जाए और नेताओं के चरित्र हनन के प्रयास में। विधायक ने तो इस बात को नकारा ही है, वो उनकी अपनी पार्टी के हैं, ताजुब है, लेकिन केंद्रीय नेताओं को भी बिला वजह इसमें घसीटने की कोशिश हुई है। मेरा जो ऑडियो है जो वायरल हुआ है वो कतई फर्जी है और मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। ऑन द ट्रिनिटी ऑफ ए यूनिक आइडेंटिटी नंबर, अ बैंक अकाउंट एंड अ मोबाइल कनेक्शन फॉर एवरीवन, इट हैज अलाउड अस टू मेक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर of $150 billion to over 700 million people persons. Our food security program reach 830 million citizens. Our housing for all program will ensure that every Indian will have a safe and secure roof over her head by 2022 when India completes 75th year as an independent nation. By then, 40 million new homes would have been made under this program, more than the total number of households in many countries. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed, it is this realization that underpins India's own development partnership with the Global South. Excellencies,
while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with nature. We launch one of the largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. Internationally, our initiative to set up the International Solar Alliance was a practical manifestation of climate action. Similarly, the Coalition of Disaster Resilience Infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crisis, or any other natural or man-made crisis, India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India, integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. और अब आइए स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कैसे भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ की चपेट में है. चाहे वो बिहार हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो, इन तमाम राज्यों से आने वाली ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है. देश में आ गया है जल प्रलय.
सैलाब सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा है। बाढ़ का पानी जिंदगी पर धावा बोल रहा है। असम से लेकर बिहार तक, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बाढ़ ने जीना दुश्वार कर दिया है। नदी नाले उफन रहे हैं, इंसानों को उनके वाहनों समेत बहा कर ले जा रहे हैं। गांव के गांव टापू बन गए हैं, मकान जल समाधि ले चुके हैं। बाढ़ की इस त्रासदी के बीच इंसान को इंसान, जानवर भी जान बचाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। राय आपको सीधे लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में इस वक्त बोल रहे हैं। टुडे द यूएन ब्रिंग्स टुगेदर 193 मेंबर कंट्रीज अलोंग विथ इट्स मेंबरशिप द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन हैव आल्सो ग्रोन एट द सेम टाइम Multilateralism is facing many challenges today. Excellencies, from the very beginning, India has actively supported the Union's development work and ECOSOC. The first president of ECOSOC was an Indian. India also contributed to shaping the ECOSOC agenda, including the Sustainable Development Goals. Today, through our domestic efforts, we are again playing a salient role in achieving Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. We are also supporting other developing countries in meeting their sustainable development goals. Excellencies, India is home to 1/6 of humanity. We are mindful of our weight and responsibility. We know that if India succeeds in achieving its development objectives, it will go a long way in achievement of global goals. And so we have taken whole of society approach by engaging our states, our local governments, our civil society, communities, and our people. Our motto is Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, meaning together everyone's growth with everyone's trust. This resonates with the core SDG principle of leaving no one behind. Be it access to nutrition, health, education, electricity, or housing, we are making great progress through our inclusive programs. Excellencies, last year we celebrated the 150th birth anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, by achieving full sanitation coverage in our 600,000 villages. In 5 years, we built over 110 million household toilets, which improved our rural sanitation cover from 38% to 100%.
Our massive awareness generation programs are empowering our women. We have achieved gender parity in elementary and secondary education. Nearly 70 million women in rural India are part of self-help groups under our livelihood mission. They are transforming lives and livelihoods of a big scale. Over a million women are elected representatives of our local governments, leading the process of participatory development. In the last 6 years, we opened 400 million bank accounts for the unbanked, out of which 220 million are owned by women. We have leveraged the power of technology for financial inclusion. This is based on the trinity of a unique identity number, a bank account, and a mobile connection for everyone. It has allowed us to make direct benefit transfer of $150 million to over 700 million persons. Our food security program reached 830 million citizens. Our Housing for All program will ensure that every Indian will have a safe and secure roof over her head by 2022, when India completes 75th year as an independent nation. By then, 40 million new homes would have been made under this program, more than the total number of households in many countries. Today, our Ayushman Bharat scheme is the world's largest health protection program, covering 500 million individuals. In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed, it is this realization that underpins India's own development partnership with the Global South. Excellencies, while marching forward on the path of development, we are not forgetting our responsibility towards our planet. Over the past few years, we have reduced 38 million tons of carbon emissions annually. This was achieved by electrifying our villages, providing clean cooking fuel to 80 million poor households, and introduction of energy efficient measures. We have set a target to install 450 gigawatt of renewable energy and restore 26 million hectares of degraded land by 2030. We have an age-old tradition of living in harmony with nature. We launched one of the largest campaigns for cleanliness and discourage usage of single-use plastic. Internationally, our initiative to set up the International Solar Alliance
was a practical manifestation of climate action. Similarly, the coalition of disaster resilience infrastructure brings together all relevant stakeholders for a comprehensive approach. We have always prided ourselves as the first responder in our region, a friend in need, be it earthquakes, cyclones, Ebola crisis, or any other natural or man-made crisis, India has responded with speed and solidarity. In our joint fight against COVID, we have extended medical and other assistance to over 150 countries. We also helped create a SAARC COVID emergency fund in our neighborhood. Excellencies, the COVID-19 pandemic has severely tested the resilience of all nations. In India, we have tried to make the fight against the pandemic a people's movement by combining the efforts of government and civil society. We have given the highest priority to reach benefits to poor households. We have announced a package of more than $300 billion. It will bring the economy back on track, build modern infrastructure, and put in place a technology-driven system. We have put forward a vision of Atmanirbhar Bharat, a self-reliant and resilient India, integrated with the global economy. Excellencies, India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. Today, while celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the Furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. Excellencies, India has been elected to the United Nations Security Council at this very important time. Our deep commitment to maintaining global harmony, to improving social economic equity, and to preserving nature's balance, India will play its role in full support of the UN agenda. Namaskar. Thank you very much. Thanks. संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत एक कामयाब देश के तौर पर आगे बढ़ रहा है और भारत की कामयाबी के साथ ही विश्व की कामयाबी भी जुड़ी हुई है। कोरोना से लेकर तमाम आपदाओं से निपटने के लिए हिंदुस्तान ने किस तरह से कोरोना के खिलाफ भी एक जन आंदोलन की शुरुआत की, हमने गरीबों के लिए, हमने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है, इस सब को विस्तार से बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान की कामयाबी की कहानी जिसमें शामिल है विश्व की भी कामयाबी का फसाना, ये सब कुछ बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।